नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। पचास साल पहले इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग के शब्द अभी भी उस अचीवमेंट के लिए सबसे एप्रोप्रिएट माने जाते हैं। वन स्मॉल स्टेप फॉर मैनकाइंड, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। इस इवेंट की गोल्डन जुबिली अभी मनाई गई और शायद ही कोई अखबार या टेलीविजन चैनल होगा जिसने इसका जिक्र नहीं किया। दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने भी इस घटना की तरह तरह से एनालिसिस की। भारत में लेकिन एक्साइटमेंट सिर्फ इसकी वजह से नहीं था, चंद्रयान 2 की वजह से भी था। 4, 3, 2, 1, 0। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 2 का चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगा कुछ ही सप्ताहों में, और भारत रूस अमेरिका और चीन के बाद चौथा राष्ट्र बन जाएगा जिसने ये कामयाबी हासिल की। 50 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग ने पृथ्वी को अंधकार को चीरते हुए एक ब्लू ग्रीन डॉट के तौर पे देखा था। उनको कोई बॉर्डर नहीं दिखाई दिए थे। ऐसा लगा था कि ब्रह्मांड के इस छोटे से डॉट पे सब शांति से रह रहे। लेकिन चंद्रयान 2 ये साबित करता है कि जो डिविजन्स दुनिया में तब थे उससे शायद कहीं ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिस्पैरिटी अब है। हम अभी भी उसी मैनकाइंड के हिस्सा हैं, मगर हमारा लूनर मिशन बताता है कि हम इसी ह्यूमैनिटी के एक अलग सबसेट हैं। हम उतने ही अलग हैं जितने की बाकी कामयाब देश या बाकी वो देश जो इस रेस में लगे हुए हैं। पॉपुलिस्ट राष्ट्रवाद का यही मतलब है, दूसरे से बेहतर बनना या दूसरे की बराबरी करना। अपोलो 11 के 50 साल और चंद्रयान का लॉन्च पैराडॉक्सिकल है। यही वजह है कि मुझे सत्यजीत रे की बहुचर्चित फिल्म प्रतिद्वंदी का एक सीन बार बार हॉन्ट कर रहा है। ये फिल्म मानिकदा की कैलकटा ट्रिलॉजी की पहली फिल्म थी। तीनों फिल्में 60 और 70 के दशक में कलकत्ता और बंगाल की घटनाओं पर आधारित हैं। तीनों प्रोटैगनिस्ट युवा थे और कंटेम्पररी कलकत्ता के चैलेंजेस से जूझ रहे थे। प्रतिद्वंदी के इस सीन में धृतिमान चैटर्जी जो ये रोल अदा करते हैं वो इंटरव्यू देने जाते हैं। ठीक ठाक सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, तब अचानक से एक बोर्ड मेंबर उनसे पूछते हैं, व्हाट वुड यू रिगार्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड आउटस्टैंडिंग इवेंट ऑफ द लास्ट डेकेड। सिद्धार्थ चौधरी जो उस कैरेक्टर का नाम है थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं द वॉर इन वियतनाम। उनसे तब उल्टा सवाल, मोर सिग्निफिकेंट देन द लैंडिंग ऑन द मून? रिगार्ड एज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एंड सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द लास्ट डिकेड। द वॉर इन वियतनाम सर, मोर सिग्निफिकेंट देन द लैंडिंग ऑन द मून? आई थिंक सो सर। जी हां, जवाब आता है। बताइए क्यों एक इंटरव्यू पूछते हैं? बिकॉज द मून लैंडिंग, you see, we were not entirely unprepared for the moon landing. We knew it had to happen. I'm not saying it was not a remarkable achievement, but it wasn't unpredictable. Fir se ek aur sawal, do you think the war in Vietnam was unpredictable? Siddharth bolte hain, not the war itself, but what it has revealed about the Vietnamese people, about their extraordinary power of resistance. Ordinary people, peasants, and no one knew that they had it in them.
It's not a matter of technology. It's plain human courage, and it simply takes your breath away. आखिरी सवाल चौधरी का, उनका फेट सेटल कर देता है। Are you a communist? मैं इस फिल्म के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। आप इस ट्रिलॉजी को लेकिन जरूर देखिए, मृणाल सेन की कैलकटा ट्रिलॉजी को भी जरूर देखिए। बहुत कुछ जानने को और नए तरीके से सोचने को मौका मिलेगा। प्रतिद्वंदी और इस इंटरव्यू सीन की बात इसलिए छिड़ी है क्योंकि हमेशा इतिहास को देखने के दो अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। एक जो अहमियत आम जनता, हमारे कामगार और किसानों की ख्वाहिश, क्षमता और उनकी करेज को देती है। दूसरी जो रोजमर्रे की जिंदगी से हटकर एक ऐसी लार्जर पिक्चर दिखाता है जो एक सपना पेश करता है। कोई पूछ सकता है कि चांद पर इंसान के जाने से आम जनता की जिंदगी कैसे बेहतर होगी। इसके कॉन्ट्रास्ट में वियतनाम वॉर एक इंपीरियल वॉर का उदाहरण था। अमेरिका ने पूरी वियतनाम आबादी पर युद्ध छेड़ दिया था। वियतनाम युद्ध में अपने रोल के बारे में अमेरिकी सरकार ने पूरा सच नहीं बताया। इसका पर्दाफाश पेंटागन पेपर्स ने किया। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डैनियल एल्सबर्ग ने कई सर्कल्स में लीक किए और ये पेपर्स अल्टीमेटली न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार के हाथ लग गए, जिन्होंने एक रिपोर्ट छापी। बाकी मीडिया में भी इसका फॉलोअप हुआ। इस घटना का बहुत लंबे समय तक अमरीकी राजनीति पर गहरा इम्पैक्ट रहा। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को भी इस्तीफा देना पड़ा, बेइज्जत होना पड़ा। वियतनाम वॉर के प्रति जो पब्लिक रिस्पॉन्स था, उसकी एक खास बात मैं बताता हूँ। एक तरफ तो वहां के लोगों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ रेजिस्टेंस था। इसकी वजह से अमरीकी सैनिकों को करीब 20 साल जूझना पड़ा, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं कर सके। अल्टीमेटली 1975 में पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम ने अमरीकियों को साइगोन से कैप्चर कर लिया और उनको बेइज्जत होकर लौटना पड़ा। दूसरी तरफ अमेरिका में लोगों का, खास तौर से नौजवानों का, मिड 1960s ऑनवर्ड्स कंसिस्टेंट प्रोटेस्ट हुआ। एंटी वॉर सेंटीमेंट बहुत जल्दी ही पूरे विश्व में फैल गया और एक मेजर आंदोलन अलग अलग देशों में खड़ा हो गया। चांद पर पैर रखने का जो अमरीकी गर्व था, वो फीका पड़ गया। सिर्फ 3 महीने बाद अक्टूबर 1969 में देश भर में प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, मोरेटोरियम अगेंस्ट द वॉर, इनको स्टेज किया गया। नवंबर 1969 में एक बहुत बड़ा मोरेटोरियम मार्च ऑन वॉशिंगटन निकाला गया। इसमें देश के अलग अलग जगहों से कई किस्म के लोगों ने अमरीकी राजधानी पर कूच कर दिया। अमरीकी इतिहास में एंटी वॉर प्रोटेस्ट की बहुत अहमियत है। वहां किसी ने ना तब कहा था और ना अब कि आंदोलनकारी एंटी नेशनल होते हैं, राष्ट्र के खिलाफ होते हैं, कभी नहीं कहा। क्या अमरीकी मीडिया या फिर कहीं और की मीडिया, खास तौर से वो जिन्होंने आर्मस्ट्रांग और एल्डरिन की जोड़ी की अचीवमेंट को अभी हाल में सेलिब्रेट किया, एंटी वॉर मूवमेंट की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगा? कई बातें बदली नहीं है। सत्यजीत रे के हीरो ने जैसे ही वियतनाम युद्ध को सबसे इंपॉर्टेंट घटना बताया, उनको पूछा गया था, आप कम्युनिस्ट तो नहीं है? आज भी राइवल को उसी तरह के लेबल दिए जाते हैं हिंदुस्तान में, खास तौर पे तब जब आप इंडियन डिफेंस या इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स पर सवाल उठाते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, सेक्युलर, प्रेस्टिट्यूट, ये तमाम लेबल जो हैं, ये शब्द जो हैं, अक्सर सुनने को मिलता है। ये कहा जाता है कि इतिहास जीतने वाले लिखते हैं, या फिर इतिहास में उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है जो सरकारी अचीवमेंट को ट्रम्पेट करते हैं। आज चंद्रयान 2 और भारत की अर्थव्यवस्था को
5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात ज्यादा की जाती है, क्योंकि ये एक और सुंदर सपना है। इतिहास नीचे दबे लोगों का भी होता है, वो चाहे बेरोजगारों का हो या सुसाइड करने के लिए मजबूर किसानों का, या फिर सोनभद्र मैसेकर में मृतकों का इतिहास। इतिहास को कभी भी आइदर और की दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रतिद्वंदी फिल्म के इंटरव्यू पैनल में जो बैठे थे, उनको इतिहास में सिर्फ एक वाओ फैक्टर की खोज थी, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को रिजेक्ट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप में से अगर किसी को भी मौका मिले किसी इंटरव्यू पैनल में बैठने का, तो ना सिलेक्ट करने का कारण कोई और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार।